खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है, चलिए एक बार फिर से आपको बेहद अहम तस्वीरें दिखाते हैं। ये डराने वाली तस्वीर है, लॉकडाउन जहां पर पूरा देश लॉकडाउन है, 19 दिन का लॉकडाउन आज ही बढ़ाया गया है। और ऐसे में ये डरावनी तस्वीर सामने आई है जब हजारों की तादाद में एक साथ लोग इकट्ठा होते हैं बांद्रा रेलवे स्टेशन पर। आखिर क्यों इन लोगों का अपनी चिंता नहीं है, अपनी जान की चिंता नहीं है? सबके सब इकट्ठा हुए, अगर इनमें से कोई भी पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, कितनी भयावह स्थिति हो जाएगी? अगर एक व्यक्ति भी इनमें से पॉजिटिव होता है तो, अगर इन्हें यहां से हटाया भी जाता है, किस तरह कोशिश की भी जाती है, कैसे इन्हें ढूंढा जाएगा अगर कोई एक भी पॉजिटिव होता है और इनकी वजह से पॉजिटिव मामले बढ़ने लगे, सामने आने लगे, जबकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस है। अब ये दो अहम तस्वीरें आप देखिए, मुंबई और दिल्ली की दो अहम तस्वीरें। मुंबई की ये आज की तस्वीर है, तो वही दूसरी अहम तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली की, ये 28 मार्च की तस्वीर है जब कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, जब घोषणा की गई थी कि लॉकडाउन होगा 21 दिन का और ऐसे में लोग अपने घर वापस जाना चाह रहे थे, तो ये तस्वीर सामने आई थी। लेकिन किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में किया गया, कंट्रोल किया गया और लॉकडाउन को पूरी तरह से पालना की गई। लेकिन जब इतनी सख्ती के बाद 21 दिन तक ये लॉकडाउन फॉलो किया गया, 19 दिन का लॉकडाउन आज बढ़ता है, तो सवाल ये कि जब सख्ती आज थी तो मुंबई में ये भीड़ कैसे इकट्ठा हुई, कहां से निकलकर ये लोग आ गए सड़क पर और कैसे ये लोग पहुंच गए बांद्रा रेलवे स्टेशन? ये प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन क्यों इन्हें बीच में रोका नहीं गया, क्यों कार्रवाई उस वक्त नहीं की गई जब ये अलग अलग जगह से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे थे, कैसे सबके सब आज ही एक ही वक्त पर बांद्रा रेलवे स्टेशन ये पहुंचे, जबकि पता है ट्रेनें बंद है, ट्रेन जा नहीं सकती है, लेकिन मांग इनकी ये है कि हमें हमारे घर पहुंचाया जाए। दो अहम तस्वीर देखिए, 28 मार्च की दिल्ली की अहम तस्वीर, उस वक्त लॉकडाउन हुआ ही था ना, लोगों को आदत थी और कैसी स्थिति होगी ये डर था, घर हर कोई जाना चाह रहा था उस वक्त, ये भीड़ जब पैर रखने की जगह नहीं और लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, वो उस वक्त शुरुआत थी, लेकिन लोगों को नियंत्रित किया गया। आज की भयावह स्थिति हर किसी को पता है, जब आंकड़ा 10,000 के पार देश में पहुंच चुका है और ऐसी मजबूरी बन गई है कि 19 दिन के और सख्ती के साथ लॉकडाउन की पालना करानी है। और ऐसे में मुंबई से यह तस्वीर, और चलिए मुंबई से संवाददाता संजय प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे अपडेट लेते हैं। संजय, बहुत ही डरावनी भयावह ये तस्वीर है जब हजारों की तादाद में ये मजदूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन सवाल ये कि इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी हो कैसे गई? ये देखिए, जो तस्वीरें आपके पास दिखा रहे हैं इससे साफ है कि यहाँ अगर हम देखें तो प्रशासन जो है अपने स्तर पे फेल रही है। प्रशासन फेल रहा है क्योंकि इतने लोग आए कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग जमा कैसे हुए? अगर पुलिस की व्यवस्था सही थी तो इतने लोग जमा कैसे हुए स्टेशन पे? और ये हजारों की भीड़ है, ऐसा नहीं कि 100-150 लोग हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, हजारों की भीड़ है। और ये उनमें 99% ऐसी भीड़ है जो कि अलग अलग राज्यों के लोग हैं, जैसे झारखंड हो गए, बिहार हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, इन सभी जगहों से जो मुंबई में ज्यादातर वो मजदूर लोग हैं जो यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, अलग अलग जगह पे काम करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्हें उम्मीद थी कि आज 14 तारीख को जो है वो ट्रेनें शुरू होंगी, क्योंकि ये बात कही गई थी, लेकिन जिस तरीके से सस्पेंस बनाया गया था कि हो सकता है कि ये लॉकडाउन खुलेगा और अलग अलग चरणबद्ध तरीके से खुलेगा, लेकिन कल तक ये जो है, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया और लोगों को संबोधित किया, तब तक पूरा मामला सस्पेंस में था। तो ऐसा सस्पेंस रखना, अगर हम ध्यान दें, अगर इसको बिल्कुल समीक्षा के तौर पे देखें तो समय कि आम पब्लिक, जो बिल्कुल आम पब्लिक है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं है, तो जो मजदूर हैं वो व्हाट्सएप में खबरें देख लेते हैं या किसी को कुछ बोलने से उनको विश्वास हो जाता है, तो ऐसे में उन तक जो संदेश जाना था, मैसेज जाना था, वो नहीं पहुंच पाया। ये बिल्कुल जिस तरीके से सस्पेंस बना के रखा गया था, हो सकता ये होना चाहिए था शायद कि कल तक ये बोल देते भाई लॉकडाउन अभी खुलेगा नहीं, क्योंकि और इस पर गाइडलाइंस तय होंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री जी इस पे लेकर संबोधित करेंगे पूरे सब लेकर, तो इसको लेकर जो है मजदूरों में एक तरीके से पहले से वो तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा लगता है कि
14 तारीख को ट्रेनें खुलेंगी और हम अपने अपने जगह जाएंगे, अपने राज्यों में चले जाएंगे, क्योंकि देखिए कोरोना से राजा रंग सभी बराबर है इस समय, चाहे वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस हो, उनको भी इनसे डर लग गया, तो सभी डरते हैं। तो मजदूर है, इनमें बहुत ज्यादा जागृति नहीं है, किसी की बात को भी विश्वास कर लेता, बहुत तेजी से बातें फैलती है। आपको दिल्ली की वो नजारे याद होंगे, जिस तरीके से हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए थे, और मुंबई में इस तरीके के जमा होना, जबकि दिल्ली के नजारों को देखने के बाद पुलिस प्रशासन को पूरा सतर्क रहना चाहिए था, और मुंबई के पुलिस में और फिर यहाँ की सरकार इस मामले को लेकर अगर मैं कहूँ तो इस मामले पे बिल्कुल फेल नजर आ रही है, क्योंकि इतना जमा कैसे होने दिए? अगर लोगों की भीड़ आ रही है उनको आप हटा सकते थे, रोड पे इतने लोग आए कैसे, चार चार पांच पांच जन के एक साथ चलने पे प्रतिबंध है, 144 धारा लगातार चल रहा है, तो ऐसे में फिर इतने लोग आए कहाँ से? लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो हमारे सोर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है टाइम पे, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। देखिए इनमें से बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो कि सड़कों के किनारे सोते हैं, ब्रिज के नीचे सोते हैं, या फिर कहीं भाड़े में चौल, जब आप जानते हो चौल सिस्टम होता है, 10x10 का रूम होता है, ऊपर टीन की छत होती है, और साथ में छोटे छोटे कमरे होते हैं जिसमें 10-10 मजदूर रहते हैं, 4-5 मजदूर रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। अब वहां भी जिस तरीके से मुंबई में गर्मी है, वहां रहना बड़ा मुश्किल है, और जानते हैं वे चौल में अगर एक जन को अगर ये हो जाता, आपको धारावी का मालूम होगा, धारावी एशिया का सबसे बड़ा झोपड़ सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, वहाँ लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, लोग अपने गांवों को जाना चाहते हैं। ऐसे में इन तस्वीरों को देख के दो सवाल जरूर आता है, एक तो ये कि इन लोगों को अगर खाना नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार जो दावे करती है कि कोई भूखा नहीं सो रहा है, वो उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। दूसरा ये कि अगर इनमें से किसी एक को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ और यहां से अगर इन्हें रवाना भी कर दिया जाता है तो बहुत मुश्किल होगा ढूंढना कि कितने लोग इकट्ठे थे और किस तरह से एक दूसरे से संक्रमित ये लोग होंगे। ये देखिए वो तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि ये जमा कैसे हुए। कि भाई अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने घर के नीचे से उतरता हूं तो सबसे पहले पुलिस के लोग यहां पर घूमते रहते, पूछते कहां जा रहे हो, या फिर आसपास के लोग ही बोलते थे कहां जा रहे हो भाई, और 4-5 जगह एक जन लोग जमा होते हैं तो उसमें भी सवाल पैदा होता है। मुझे ये पता नहीं, ये बोलना ठीक नहीं है, लेकिन क्या जिस तरीके से अब राजनीतिक वार प्रति मतलब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, यहाँ पर विपक्ष के लोग आरोप लगाने लग गए हैं, तो ऐसे में इसके पीछे कारण क्या है, इतने लोग जमा कैसे हुए? अब ये जब जाएंगे, अगर कोई इसको पॉजिटिव किसी को है फैल जाएगा, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, जमा कैसे हो गए सबसे पहली बात, इसका दोषी कौन है? देखिए जमा नहीं होने दिया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर अगर जैसे मैं अगर पत्रकार हूँ तो एक आइडेंटिटी कार्ड प्रेस का लगा के नीचे जाता हूँ, कहीं काम पर जाता हूँ, वहां सबको दिखाता, कोई पूछता तो रोका जाता है। लेकिन ये बांद्रा टर्मिनस है जहां से दूर दूर के लिए ट्रेनें खुलती है, और वहां पर बिल्कुल सन्नाटा था कल तक परसों तक, तो आज इतने लोग जमा कैसे हो गए? बिल्कुल सर, सबसे सबसे अहम सवाल यही कि आखिर ये सब इकट्ठा यहां पर कैसे हो गए। इस पूरी जानकारी के लिए संजय प्रभाकर आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बेहद अहम सवाल ये कि लोग इकट्ठा कैसे हो गए, किसकी लापरवाही, और प्रशासन जो भले ही लाख दावे कर रहा हो, दावों की पोल खुलती हुई जरूर नजर आई कि आखिर इतने लोग इकट्ठा हो गए, घर से निकल गया, कोई रोकने वाला उन्हें नहीं था, और यही वजह थी कि हजारों की तादाद में इन लोग इकट्ठा हो गए बांद्रा रेलवे स्टेशन पर। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।